केसीआर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं जो आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ अख्तलफी की है और धोखादही की है। केसीआर साहब, आपने जब यदादरी टेम्पल को शामिल किया है, बहुत अच्छा करे आप। औकाफ मस्जिदों को जो आपने शहीद किया था वो भी शामिल करिए, वो भी तो आपके कारकर्दगी है, आपकी कामयाबी है ना जो मस्जिदों को शहीद करे आप। ब्रोस्टेड चिकन पूरे हैदराबाद में सबसे जायकेदार ब्रोस्टेड चिकन हमारे यहाँ, और मंदी बिरयानी, कबाब, शवरमा, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मोहम्मदिया मंदी हाउस। दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया आई टी न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगुदेशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी लीडर। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन डे के 10 साल मुकम्मल होने पर तमाम तेलंगानाइट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और बिलखसूस केसीआर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं जो आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के साथ अख्तलफी की है और धोखादही की है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो आपने तेलंगाना 10 ईयर्स के सेलिब्रेशन का जो लोगो आपने दो रोज कबल जो आपने जो प्रेस रिलीज किया है उसमें आपने माइनॉरिटीज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। माइनॉरिटीज के जज्बात और एहसास को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। आपने यदादरी टेम्पल शामिल किया, आपने कालेश्वरम प्रोजेक्ट शामिल किया, उसमें अपने टी हब शामिल किया वगैरह वगैरह आपने शामिल किया। केसीआर साहब, आपने जब यदादरी टेम्पल को शामिल किया है, बहुत अच्छा करे आप। औकाफ मस्जिदों को जो आपने शहीद किया था वो भी शामिल करिए, वो भी तो आपके कारकर्दगी है, आपकी कामयाबी है ना जो मस्जिदों को शहीद करे आप, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कालेश्वरम प्रोजेक्ट लेकर आए, बहुत अच्छा काम करे। साथ ही साथ उस्मान सागर, हिमायत सागर को आप जो है ना टोटली आप निष्ठ नाबूद कर, उसका निशान मिटा दे रहे हैं आप, वो भी ले जाइए आप। आप मैरिटर्स मेमोरियल लेकर आए, आप यादगार शहीदान, आपको जो तेलंगाना मिला है वो जो है ना उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तोलेबा की शहादत की वजह से मिला है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं लेकर आए आप? चार मीनार जो खुली कुतुब शाह की तरफ से था, पांचवे खुली कुतुब शाह की तरफ से जो बनाया गया था, वो हैदराबाद शहर की और आलमी सतह पर जो है ना वो बहुत शोहरत रखने वाले। चार मीनार को आप कैसा मिस कर सकते हैं आप? मक्का मस्जिद को कैसा मिस कर सकते हैं आप? और आप जानबूझकर मिस किए हैं ये, क्योंकि मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है आपको। आप टी हब लेकर आए, आप टी हब का लोगों को शामिल, टी हब को आपने लोगों में शामिल किया जबकि वो बना हुआ ही जो है ना औकाफी जायदादों पर बना हुआ है पूरा, हाईटेक सिटी गच्ची वाली वगैरह, वो भी ले गया। ये जितने चीजें इन कब्जे हो गए हैं औकाफी जायदाद, आपके 12% रिजर्वेशन की जो आपकी नाकामयाबी है ना, वो भी लेकर आइए आप, वो भी नहीं लेकर आए। आपके खामियां क्या है हमसे पूछिए। आप खाली जो है ना इन लोग को खुश कर रहे हैं, आप पट्टास दे रहे हैं, आप किसको? दलितों को। बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए। मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं आप? औकाफ की जाते, वो तो हमारा हक है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दूसरी चीज, आप जब ये प्रेस रिलीज कर रहे थे लोगों, आप ये आपने तमाम जिम्मेदार अहदेदारों के साथ मिलकर आपने प्रेस रिलीज किया जिसमें एक भी मुस्लिम कायद नहीं है आपके टीआरएस के, या तो आपकी नजर में वो अहदे जो उन लोग को मिले हुए मुस्लिम कायदीन को या तो वो डम्मी है या तो फिर आपके मुस्लिम कायदीन डम्मी है, दोनों में से एक चीज है। दोनों के दोनों को आप जो है ना वो कहीं पर भी आप उन लोग को नहीं रखे आप। अब मैं जिस बात माइनॉरिटीज को जिस तरह से आप इग्नोर कर रहे हैं, आपके टीआरएस के मुस्लिम कायदीन आप किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ इमाम जामिन बनना जानते हैं, आपके पैर पढ़ना जानते हैं उनकी अपनी जाती मफाद के लिए। लेकिन हम जैसे अभी कौम के लोग जिंदा है जो आपसे सवाल करेंगे, आपको आपकी गिरफ्त करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है केसीआर साहब, अभी भी वक्त है, आपके लोगों में मुस्लिम माइनॉरिटीज की भी जो है ना जो अजीम और शान तारीखी इमारतें हैं, चाहे वो चार मीनार रहने दो, चाहे वो मक्का मस्जिद रहने दो, छाउमल्ला पैलेस रहने दो, गोलकुंडा फोर्ट रहने दो, ये तारीखी इमारतें, इसको आप शामिल करिए। मैं तेलुगु देशम पार्टी की हैसियत से आपसे गुजारिश करता हूं, डिमांड करता हूं और अपील करता हूं कि प्लीज इस लोगों में मुस्लिम माइनॉरिटी के भी जो जज्बात को खुशी देने वाली है उनकी सेक्युलरिज्म के मामले को आप वो भी शामिल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।